वेलकम टू माई चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज है हमारा फोर्थ व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 6 बज चुके हैं शाम के, एंड हम आपके साथ रोज़ इवनिंग का ही व्लॉग शेयर करते हैं। तो आज भी इवनिंग का व्लॉग है। तो आज एक ना न्यू रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जो मेरी मम्मा बनाने वाले हैं। एंड वो रेसिपी एक बार आप ट्राई करोगे ना, मतलब ट्रस्ट मी गाइस, बहुत यम्मी बनती है। एंड वो रेसिपी है खमन ढोकला। सो गाइस, अभी चलते हैं मम्मा के पास। सो गाइस, मैं मम्मा के पास आ चुकी हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे इवनिंग, बज चुके हैं 6। आज हम बनाने वाले हैं खमन ढोकला। चलो शुरू करते हैं रेसिपी। गाइस, हमने फॉर्चून का बेसन लिया है, ब्रिक वाला। एक कोलर छोटा वाला हमने बेसन ले लिया है। एंड हम इसको छान के लेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो, एंड ये इससे ढोकला बहुत अच्छा बनेगा। तो हम इसको छान लेते हैं। सो गाइस, जितना भी अपने बेसन लिया उसका हाफ हमने पानी लेना है। ऐड कर देते हैं कंटेनर में। अब इसमें जाएगा सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू का फूल भी बोलते हैं। हमने ऐड ऑन कर दिया है। खमन ढोकला में मीठा भी पड़ता है, इसलिए हम इसमें चीनी ऐड ऑन कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब इसको विस्क कर लेंगे विस्कर से। सो गाइस, अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड ऑन करते जाएंगे और इसको विस्क करते जाएंगे। अब हम इसमें फिर से बेसन डाल रहे हैं। ये गुठलियाँ ना बजे बने, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। गुठलियाँ ना बने इसलिए मम्मा कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बने। तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा रहे हैं। गाइस, हमने इसमें सारा बेसन जो है वो ऐड ऑन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं अभी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, कर दिया हमने ऐड। तो हमें गाइस ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थिक लग रहा है, इसलिए हम इसमें पानी को और ऐड ऑन कर लेते हैं। तो गाइस, अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिला लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग सोडा, ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस, इसमें बेकिंग सोडा डालने से फ्लफी हो जाएगा, सॉफ्ट स्पंजी हो जाएगा, इसलिए उसके बाद हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। सो गाइस, हमें 3 मिनट हो चुके हैं लगातार फेंटते हुए। सो गाइस, 5 मिनट हो गए हमें इसको फेंटते फेंटते। सो अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए अब इसको छोड़ देते हैं। अब इसका हम तड़का बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसमें घी ऐड कर लिया है, 1 टेबल स्पून बिग वाला। हमारा घी गर्म हो गया, अब इसमें जाएगी राई। राई को हमने तड़क लिया। अब इसमें जाएगी मिर्ची। मिर्ची को तड़कने के बाद इसमें जाएगा वाटर और शुगर। अब इसमें जाएगा वाटर, 2 कटोरी इसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगी शुगर, 1/2 कटोरी जाएगी इसमें शुगर, चीनी। अब इसमें जाएगा सॉल्ट, क्योंकि हम इसमें थोड़ा डालना है, क्योंकि हमने पहले भी डाला था ढोकले में भी। दिव्यांश, से हेलो। बोल, कैसे हो आप सब? अब इसका वाटर है, जो पानी है वो रेडी हो चुका है। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। सो गाइस, हमने एक नींबू, इसमें जो बड़ा नींबू है वो काट कर हम इसमें डाल देंगे निचोड़ के, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर खट्टा ज़्यादा खाया जाता है। अगर आपने डालना तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना तो डाल लीजिए, नहीं आपकी मर्जी तो मत डालिए। ये नींबू का फूल भी डालना है क्योंकि आपने सिट्रिक एसिड भी डाला है ना। से हेलो गाइस। सो बच्चे अपना बैठा है, आराम से साइड पे बैठे खेल रहे हैं, खा रहे हैं जलेबी, इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, हमने इसको कवर अप कर लिया था, अभी 10 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। एक कंटेनर लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे। सो गाइस, हमको इसकी ऐसी कॉन्सिस्टेंसी रखनी है। अब इसको हम दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो गाइस, हमने दूसरा जो कंटेनर है उसको भी ग्रीस कर लिया घी से। 2 कंटेनर में बनाएंगे। तो आप इसको कढ़ाई में, कुकर में भी बना सकते हैं, हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं।
सो गाइस हमने इसको कंटेनर को रख दिया माइक्रोवेव में। अब इसको हम स्टीम कुक पे लगा के ऑन कर देते हैं। गाइस जो हमारा वो ढोकला है, खमन ढोकला, वो बन चुका है। हमने इसको कंटेनर में से तभी नहीं निकाला था, हमने इसको आधा घंटा फ्रीजर में रख के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो आपका ढोकला अच्छा नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा। तो इसको आधा घंटा हमने फ्रीजर में रख दिया था, अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं कट। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना स्पॉन्जी बना है ये, सुपर सॉफ्ट और ईजी है। तो पीसेस में कट कर लें। अब हम दूसरे को भी कट कर लेते हैं। तो हमने इनको कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो कितना स्पॉन्जी बना है यार ये, कितना सुपर सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। इसका टेक्सचर कितना अच्छा है आप लोग देख सकते हो। तो अब इसके ऊपर हमने जो पानी बनाया था वो डाल देते हैं, धीरे धीरे करके इसके ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं। सो गाइस हमारा टेस्टी सा स्पॉन्जी सा खमन ढोकला बनके रेडी हो चुका है। तो अभी हम सर्व करते हैं, फिर आपको जैसे हमने कल बताया था व्लॉग में टेस्ट करके, वैसे हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने इसको सर्व कर लिया है एंड मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। टेस्ट में अच्छा आ रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लगा। आप इसको देख लेते हो? बहुत यम्मी बना है, स्पंजी है एंड सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा। मैं भी आपको इसको भी टेस्ट कराती हूं। डोंट टेस्ट करके बताना कैसे बना, ठीक है? गाइस ये बहुत टेस्टी बना है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड के साथ अगर, और साथ में कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय। चैनल को सपोर्ट करना गाइज, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय। थैंक्स।